नमस्कार। खबरों इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं आरती शर्मा। सबने शा पहले जिहड़ियां खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे लोक हुन नकारा करदे नफरत ते हिंसा दी राजनीति की। कॉनरेड संगमा होरें गी अज मेघालय दे नमें मुख्यमंत्री दे रूपे च चुकाई गई सगंध। ते शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी होरें जम्मू च परीक्षा केन्द्रें च प्रबंधें दा लैता जायजा। ते हुन पेश खबरां तफसील कन्ने। भारतीय जनता पार्टी दे संसदीय दल दी अज नमीं दिल्ली च बैठक लगी। इस बैठक च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी दे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी समेत कई नेता शामल होए। पूर्वोत्तर राज्यों च जित परैंत संसदीय दल दी एह पहली बैठक है। एदे च बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आखिया जे लोक नफरत ते हिंसा दी राजनीति की नकारा करदे न। प्रधानमंत्री होरें बीजेपी दे सांसदें गी देशवासियों दी तांगें गी पूरा करने आस्तै सख्त मेहनत करने लई आखिया। ये बैंक को लेकर के जो विषय उठा रहे विपक्ष और बाकी पक्ष, उसके बारे में खुल करके चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा में आज चर्चा के लिए वो लिस्टेड भी है अंडर 193। राज्यसभा में भी होगा। इसलिए हम विपक्ष से इतना ही आग्रह करेंगे, यानी केवल शोर शराबा करना, वेल में आना, बाहर खड़े होकर के मिथ्यारोप करना, इसके बजाय ये स्ट्रक्चर डिबेट करें, दिन भर करें। मेघालय च नेशनल पीपल्स पार्टी दे अध्यक्ष कॉनरेड संगमा होरें अज बीजेपी दे समर्थन कन्ने मुख्यमंत्री दे ओहदे लई सगंध चुकी। उन्दे कन्ने मंत्रिमंडल च शामल 11 मंत्रियों की भी ओहदे ते राजदारी दी सगंध चुकाई गई। मेघालय च कुसै भी दल की बहुमत नहीं थोआ है। कांग्रेस 21 सीटां जीती है, सबने शा बड़ी पार्टी बनी है, जिसले की एनपीपी की 19 ते बीजेपी की 2 सीटां थोई हैं। यूडीपी ने एनपीपी की समर्थन देने का फैसला किया। संगंध चुकने परैंत संगमा होरें आखिया जे लोकें गी सुशासन मुहैया करवाना उन्दी सरकार दी प्राथमिकता होग। We feel that governance has been missing and it is important to get everything on track. So that will be the bottom line of everything, but of course there are many sectors that need to be looked into and we will look into each of the sectors separately. But that is basically how we start. There are many issues. ग्रामीण विकास ते पंचायती राज मंत्री अब्दुल हक खान होरें अज उधमपुर च इक बैठक लोआईयै जिले च चलारदे विकास कम्में दी समीक्षा कीती। बैठक गी संबोधित करदे होई मंत्री होरें अधिकारियों गी निर्देश दित्ते जे ओ उपलब्ध रकम कन्ने विकास कम्में गी मित्थे गेदे समें अंदर पूरा करन। बैठक च जिला प्रशासन दे आला अफसरें दे अलावा ब्लाक स्तर दे अधिकारी भी मौजूद हे। थर्ड के लिए तकरीबन 4 हाउसेस हमारे जो कम्प्लीशन पर है। मार्च के बाद एक्शन फॉलो करेगा, ये नोट कर लेना। मार्च के बाद जिसको कि मैं मॉनिटरिंग करूंगा, यहाँ आने की मेरी जरूरत नहीं है, बट आई विल बी मॉनिटरिंग एट माय ओन प्लेस और उस वक्त डेफिनेटली एक्शन विल फॉलो। डेवलपमेंट ने एक अच्छा काम किया है पिछले 3 साल में और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ कहें थोड़ा पिछड़ रहे हैं कोई पंचायत कोई ब्लॉक, उनको मैंने आज हिदायत की है कि वो उसमें पिकअप करें और आगे बढ़ें। एक अच्छा माहौल एक है, एक अच्छे माहौल में काम हो रहा है और हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चाहती हैं कि रूरल कनेक्टिविटी हो, रूरल डेवलपमेंट पे जो लोगों के मुश्किलात हैं रूरल डेवलपमेंट उन पर नज़र रखे, उनको देखे, तो एक अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। खजाना मंत्री डॉ हसीब द्राबू होरें अज जम्मू च अधिकारियों की एक मीटिंग च मौजूदा ट्रेजरी यानी राजकोष प्रणाली की पेएन अकाउंट्स ऑफिस प्रणाली च तब्दील करने की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्हें अधिकारियों की नमी व्यवस्था तौले ते पूरी चाली लागू करने के निर्देश दिते। मंत्री होरें दस्या जे 31 मार्च तोड़ी मौजूदा माली बरे के भुगतान की रोजमर्रा के आधार पर निगरानी की जाग। उन्हें दस्या जे खजाना महकमे के कमिश्नर हुंदे नेतृत्व च एक कमेटी का गठन किया जाग जिहड़ी पिछली देनदारियों ते उनके भुगतान की निशानदेही करो।
रियासती विधानसभा दे स्पीकर कविंदर गुप्ता होरें शास्त्री नगर च अज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल पार्क दा उद्घाटन कीता। इस पार्क च मरम्मत सुधार दे कई कम कीते जाने परंत परतिए इसी आम लोकें लई खोलिया गया है। एमएलसी विक्रम रंधावा भी उद्घाटन समारोह च मौजूद है। इस मौके बोलदे होए स्पीकर होरें गलाया जे सरकार जनता दे मनोरंजन ते उनेंगी सार्वजनिक थारां उपलब्ध करवाने लई वचनबद्ध है। उन्हें आखिया जे नई थारे उपर आईए ना सिर्फ लोकें दा मनोरंजन हुंदा सगुआं उनेंगी दिमागी शांति भी हासिल हुंदी है। उत्थे गए विक्रम रंधावा होरें भी बागे पार्कें दे महत्व ते मनुक्खें गी उंदे शा होने आले फायदे उपर लो पाई। पीएचई सिंचाई ते हाड़ें दी रोकथाम संबंधी महकमे दे मंत्री श्याम लाल चौधरी होरें अर घर तोड़ी पीने दा साफ पानी दस्तयाब कराने लई आम जनता दा सहयोग मंगया है। मंत्री होर सुचेतगढ़ चुनावी हल्के दी बासपुर थारे पर विभाग आसिया लोआई गेदी इक कार्यशाला गी संबोधित करा करदे हे। कार्यशाला दा विषय हा पानी दी साफ सफाई उपर चुनावी हल्का स्तर दी कार्यशाला। इस मौके बोलदे होई उनें आखेआ जे पिछले त्रऊं बरे थमां पानी दी सप्लाई सरबंधी नेकां स्कीमां चलाईआं गईआं। उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह अपने नेड़े दी लैबोरेटरी च पीने दे पानी दी जांच कराने दे कन्ने गै उनें विभाग गी भी पानी दे म्यार दी नियमित तौर पर जांच कराने दी हिदायत दित्ती। लेना चाहिए लेकिन उसके साथ है जो पानी वेस्ट ज्यादा है उसको बचाने भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य बनता है। शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी होरें अज जम्मू च बक्ख बक्ख परीक्षा केन्द्रें दा दौरा लाया ते विद्यार्थियें ते अमले आस्तै कीते गेदे प्रबंधें दा जायजा लैता। उनें दस्सिया जे एह पहली बारी है जे जिनें स्कूलें च परीक्षा केन्द्र बनाए गेदे न उनेंगी उस दिन छुट्टी रखने लई आखिया गेदा है तां जे नकल दी कबैत गी रोकिया जाई सकै। मंत्री होरें इस मौके सेंटर बेसिक हायर सेकेंडरी स्कूल परानी मंडी च टाइलां बछाने दे कम्मै दा नींह पत्थर भी रखिया। पहाड़ी सलाहकार बोर्ड दे वाइस चेयरमैन कुलदीप राज गुप्ता होरें रजौरी च इक बैठक लोआई। बोर्ड दे सदस्यें दे अलावा बीजेपी दे वर्कर भी बैठक च मौजूद हे। बैठक दौरान वाइस चेयरमैन होरें आम लोकें कन्नै जुड़ी दियें समस्याएं ते मुद्दे बारे जानकारी हासिल कीती। इस मौके बोलदे होई कुलदीप राज होरें वर्करें गी भरोसा दोआया जे तौले गै उंदियें समस्याएं दा नबेड़ा कीता जाग। एह्दे कन्नै गै उनें इब्बी आखेआ जे राज्य च पहाड़ी विद्यार्थियें लई वजीफा उंदे बैंक खातें च ट्रांसफर करी दित्ता गेदा है। ये उसके अंदर कोई परहेज नहीं किया हुआ कि आज बहुत सारे लोग जो ओबीसी वाले हैं उनको हम स्कॉलरशिप उन बच्चों को दे रहे हैं। ये पहाड़ी ले रहे हैं, आप पहाड़ी में मानते हैं और आप ओबीसी के नाते की आप अपना काम बढ़ाइए जब वो उनका बन जाएगा, लेकिन फिर हम सब पहाड़ी है। रामबन दे जिला अस्पताल की इलाज मुआलजे दी आधुनिक सुविधाएं कन्नै लैस कीता गया है। एदे आस्ते रियासती सेहत विभाग ते राष्ट्रीय हेल्थ मिशन आसिया फंड उपलब्ध कराए गए न। अस्पताल च होरने सुविधाएं दे अलावा सड़क हादसे दे पीड़ितें आस्ते विशेष आधुनिक सहूलतां मौजूद न। मरीजें गी इत्थे जन औषधि बिक्री केन्द्र थमां सस्ते भाएं उप्पर दवाइयां भी उपलब्ध न। उस पर हमें अब बाहर नहीं जाना पड़ता है, पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ता है। हमारे पास बहुत अच्छा पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ पे एक डेंटल सर्जन पोस्टेड हुई है, यहाँ पे नई सर्जरियाँ स्टार्ट की, कैटरेक्ट ऑपरेशन हम करते रहते हैं और उनको हम फ्री लेंस देते हैं। बिल्डिंग भी अब अच्छी बनी हुई, हमें जन एस्टी की एक शॉप है जहाँ पे कम रेट्स की दवाई भी मिली। आर्थो की सर्जरियाँ, हार्ट के केसेस आते हैं खासकर जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो उनको हम थ्रोम्बोलिसिस करने का हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया। डोडा जिले दे तरेजा ग्रां दे लोकें सरकार की अपील कीती है जे उंदे ग्रां गी भद्रवाह तहसीले कन्नै जोड़ने आले पुले दा निर्माण कम तौले मुकम्मल कीता जा। लोकें दा गलाना है जे इस पुले दा निर्माण कम आरएनबी महकमे आसिया 10 बरे पहले शुरू कीता गया हा पर अजे तोड़ी पूरा नहीं कीता गया। उन्हें आखिया जे पुल नहीं होने कारण इलाके दे लोकें खासकर स्कूली बच्चें गी बड़ी मुश्किलें दा सामना करना पवा रदा है।
तकरीबन 2009 से बन रहा है, ये हमारा रोड भी था और ब्रिज भी था। तकरीबन 4 साल पहले इसकी अमेंडमेंट्स जो है तैयार हो चुके हैं, जो शायद JKPCC कर रही है। उसके बाद हमने बहुत सी कोशिशें की, मतलब R&B वालों के पास गए, JKPCC को हमने बहुत बार मैसेजेस दिए, गवर्नमेंट से हमने मुताला किया कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई बार हमें बीमारों को पीठ पे लाद के लेना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, पिछली सरकारों से भी हमने बहुत सी अपीलें की थी कि इसको फौरन से फौरन, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो रेडी हैं इसकी, अब खाली इसका ऊपर वाला काम है, उसे स्ट्रक्चर वगैरह डालना है। तो हम चाहते हैं कि इसको जितना जल्द हो सके, तो बहुत मेहरबानी होगी इस मौजूदा सरकार से, हम गुजारिश करते हैं कि मतलब जल्द से जल्द इसको तामीर किया जाए। ऑल कॉन्टीनेंट पेड वर्कर्स एसोसिएशन JNK के सदस्य आज अपनी मंगें दे समर्थन च विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय प्रधान मनजीत सिंह चिब होरें शिक्षा मंत्री हुंदे सने जम्मू ते कश्मीर च शिक्षा विभाग के डायरेक्टरें ते कमिश्नर सैकटरी होरें अपील की जे उनकी मंगें वखी ध्यान दिता जा। उनकी मंगें च वर्करें लई ग्राम शिक्षा कमेटी तहत प्रस्ताव पास किया जाना ते उनके लई घट्टो घट उजरत श्रमिक कानून मुताबिक तय किए जाना मुख तौर पर शामिल न। जहाँ जो सारे इम्प्लॉय है, फिर भी हमें उनके ऊपर भरोसा है, विश्वास कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी जो डिमांड है वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, इतना भरोसा है हमें। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर ते हेल्पर यूनियन की हड़ताल आज 35वें दिहाड़े भी जारी रही। जम्मू प्रांत के बगभग इस थमां मती गिनतरी च आंगनवाड़ी हेल्परें ते वर्करें प्रेस क्लब जम्मू बार अपनी मंगें दे समर्थन च प्रदर्शन किया। इस मौके वक्ताएं गलाया जे संगठित बाल विकास स्कीम दे अलावा बगभग सरकारी स्कीमें लई उंदियां सेवां लैतियां जांदियां, पर उंदी समस्याएं ते मंगें बखी सरकार कोई ध्यान नहीं दिंदी है। माध्यम से कहना चाहती हूं कि ये जो हमें चाहे माइग्रेंट सेंटर हो उनको ज्यादा हैरेस करते हैं, उनको बोलते हैं कि ड्यूटी नहीं आते हैं, मगर अपना हक हमने आज तक किसी ने नहीं छोड़ा है। जब तक ना हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तब तक हमें कौन इंसाफ देगा। इतने दिन हमें आज 34 दिन हो गए यहाँ, हमें आज 34 दिन हो गए सड़क पे धरना करते प्रोटेस्ट करते, मगर आज तक किसी के कानों तक जू तक नहीं रेंगी है। किश्तवाड़ जिले के बगभग प्रोजेक्टें दे आंगनवाड़ी वर्करें ते हेल्परें अज JNK नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट दे बैनर हेठ किश्तवाड़ चगान च विरोध प्रदर्शन किया। मोहम्मद गफूर डार हुंदी अगुवाई च प्रदर्शनकारियां मंग कीती जे चिरे थमां बकाया पेदी उंदी मंगें गी तौले पूरा किया जा। आज यहां है, इसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और हम जम्मू में 15 मार्च को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, और आगे अगर सरकार ने ये ऑनरेरियम का मसला एड्रेस नहीं किया तो ये आंदोलन हम 140 प्रोजेक्ट में ग्राउंड लेवल पर ले जाएंगे और ICTS की अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि वो इस मसले को हल करें। जुगल पंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट आसिया आज किश्तवाड़ दे डाक बंगले च मुफ्त मेडिकल कैंप लोआया गया। डॉक्टर रंजीत सिंह ते उंदे अमले ने कैंप च लोकें गी इलाज मुआलजे दी सेवा दित्ती। कैंप च मरीजें गी मुफ्त दवाईयां भी दित्तियां गईयां। इलाके दे लोकें इस नेक कम्मे आस्तै ट्रस्ट दी सराहना कीती है। उधमपुर च खेडें ते खिडारियों की बढ़ावा देने लई पुलिस विभाग आसिया जिब ग्रां च वॉलीबॉल लई मैदान तैयार किया गया ते हाईमास लाइटां लोआईयां गईयां। इस मौके पर जिले दे SSP रईस भट्ट और मुख तौर पर मौजूद हे। अपने संबोधन च SSP होरें दस्या जे ए गै खेलो इंडिया ते सहूलत योजनाएं हेठ पुट्टी गई है। उन्हें आखिया जे एदे कन्नै क्षेत्र दे युवाएं गी प्रोत्साहन थोक ते ओ खेड दे मैदान च बाकी क्षेत्रें दे युवाएं कन्नै मुकाबला करने दे काबिल बनगन। ही चल रहा है और जिसको हमने सहूलत नाम दिया है, और खेलो इंडिया जो नेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा एक छोटा सा एक कदम है। और जैसे कि हमने अभी तक ये तीसरा जो है ग्राउंड जो है इसमें हमने तैयार करके दिया, ग्राउंड जगह और सपोर्ट जो है वो लोगों का है। और
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਤਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 14, 17, 19 ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾ ਵੱਧ ਆਯੂ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਰੇਸ ਕੀ ਝੰਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਥਮਾਂ ਆਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੀ। ਕਾਨਰੇਡ ਸੰਗਮਾ ਹੋਰੇ ਗੀ ਅੱਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸਗੰਧ ਤੇ ਸਿਖਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੇਠੀ ਹੋਰੇ ਜੰਮੂ ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਦਾ ਲੈਤਾ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਬਸ ਇਨਾ ਗਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।